जी नमस्कार, प्रतिज्ञा परिवार में स्वागत है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की सेकंड शिफ्ट अब कंप्लीट होने वाली है और हम विद्यार्थियों से बात करके आपको ये बताएंगे कि पेपर का क्या लेवल रहा है और किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं, पिछले लेवल के प्रश्नों का इस लेवल के अंदर क्या डिफरेंस रहा है और क्या चेंजेस हुए हैं और क्या सिमिलरिटीज रही है, ये वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। हमारे साथ ये वीडियो में जुड़े रहे हैं। पेपर का कैसा लेवल रहा भैया? जीके के स्टडी जीके क्या प्रश्न है? जीके के स्टडी 2018 से लेके 23 तक ओलंपिक के सवाल पूछे? हाँ, दो तीन क्वेश्चन है। पुस्तकों के सवाल? हाँ नहीं, एक मैथ्स के कैसे एक सवाल थे, ज्यादा हार्ड था या आसान था? मैथ तक पहुँचे ही नहीं, पहुँचे ही नहीं। रीजनिंग के अंदर? रीजनिंग 24 क्वेश्चन अटेंड किए। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम उपेंद्र सिंह। उपेंद्र सिंह जी, कहाँ से हैं आप? मैं सोमा सर। और कैसा हुआ पेपर आपका? पेपर बहुत अच्छा रहा। अच्छा हुआ, मैथ बहुत इजी आ रहा है। मैथ इजी आ रही, पिछली बार की तुलना में आसान है। MS Excel के ज्यादा सवाल आ रहे हैं। 365 से। अच्छा, कितने क्वेश्चन अटेंड किया आपने? लगभग मैंने 95 क्वेश्चन अटेंड किए, बहुत शानदार बात है। और स्टैटिक जीके के अंदर? स्टैटिक जीके के लगभग 7-8 क्वेश्चन मिल रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा पुस्तकों के सवाल पूछे जा रहे हैं अभी? पुस्तकों की एक पुस्तक आया था। अच्छा, और अवार्ड वगैरह? ये अवार्ड का नहीं आया था। नृत्य खेल? नृत्य का 2-3 सवाल आया था। खेल के? खेल का 1-2 आया था। अच्छा, क्या नाम आपका भैया? विवेक भाटी साहब, पेपर में कैसा लेवल रहा आपका? पेपर बढ़िया लेवल रहा। अच्छा, रीजनिंग के कैसे सवाल थे? रीजनिंग के इजी थे, ज्यादा नहीं थे। गणित वगैरह? गणित के इजी थे। अच्छा, बहुत शानदार। जीके के एकदम बराबर, जीके भी सही थे। प्रैक्टिस की है ना, उसके लिए तो बढ़िया था। जिसे प्रैक्टिस नहीं किया, तैयारी जरूर की है, पेपर में प्रैक्टिस नहीं किया, इसमें प्रैक्टिस जरूर। प्रैक्टिस की जरूरत है। जो क्वेश्चन जमे थे उसमें बिल्कुल उन्होंने अपने दिमाग को उपयोग किया और उनको थोड़ा बड़ा किया था, कैलकुलेशन बड़ी थी, सुन रहे थे। बाकी जीके का प्रश्न कोई करंट के क्वेश्चन नहीं थे ज्यादा, ऐसे अपने दिमाग जनसंख्या वाला बिल्कुल सही था। जनसंख्या के सवाल थे, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना। देखो अभी देख लीजिए, पिछली वाले में मुद्रा योजना का पूछा गया, इस बार प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना। किस व्यक्ति किस घराने से संबंधित? मधुर व्यापारी के बारे में, 2 तारीख सर्वाधिक जनसंख्या पिछले में पूछा गया, सर्वाधिक जो है साक्षरता दर कौन से यूटी के अंदर है? तो आपने एक सर्वाधिक जनसंख्या किस धर्म की है? धर्म की है साक्षरता, वो तो साक्षरता धर्म कौन से धर्म की है? साक्षरता मेजबानी कब की थी भारत ने? ऐसे ही खेलों की मेजबानी कब की थी? पहले ओलंपिक के कौन थे अध्यक्ष? पहले ओलंपिक के अध्यक्ष कौन थे? ये पूछा था। और भी कुछ याद आया तो कुछ और बच्चों के हेल्प हो जाए आपकी तरफ से। तैयारी है वो अब एकदम बिल्कुल। अच्छा, आराम से पेपर सफेद कमरे की और अपने स्पीड से। क्या नाम आपका? मेरा परमेश्वर नाम है। ठीक है, धन्यवाद परमेश्वर जी। ठीक है, देख लीजिए विद्यार्थियों, ज्यादातर बच्चों का यही है, जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं उनके चेहरे पे मुस्कुराहट है। और बाकी आप भी लगातार हमारे से जुड़े रहिए और विशेष रूप से मैं आपको ये कह सकता हूँ कि हमारा जो है प्रैक्टिस सेशन आप लोग ले सकते हैं प्रतिज्ञा क्लासेस के हमारा एप्लीकेशन के ऊपर, और पूरा पेपर सोल्यूशन है। अभी थोड़ी देर में आपके साथ हम रूबरू होंगे, हमारे साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।